सोलन में दिवाली और शादियों के बाद लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लापरवाही। जिला प्रशासन ने 3 नियम जनता के सामने रखे और भरोसा किया कि सोलन की जनता उस पर अमल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। त्योहारों के समय में शहर में भारी भीड़ रही, शादियों में भारी संख्या में लोगों ने भाग लिया, लेकिन जिला प्रशासन ने कोरोना से बचने के नियम भी बताए हैं, ये किसी को ख्याल नहीं रहा और सहूलियत के हिसाब से नियमों का पालन करते रहे। शादियों में मास्क पहनना तोहीन समझा जाने लगा, यही वजह रही कि अब सोलन में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ये खुलासा जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने किया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी मुक्ता रस्तोगी ने शहर की जनता से आग्रह किया है कि अगर वे कोरोना से बचना चाहते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा जो नियम उन्हें बताए गए हैं उनका अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि सोलनवासी केवल दिखावे के लिए मास्क लगा रहे हैं, उनका मास्क नाक पर नहीं बल्कि ठोड़ी पर लटका रहता है। भीड़ बाजारों और शादियों में बढ़ती जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुसरण लोग न के बराबर कर रहे हैं, यही कारण है कि कोरोना के मामले पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अगर अब भी लोग जागरूक नहीं हुए तो स्थिति भयानक हो सकती है। हाँ, अभी जो है वो दिवाली में जैसे लोगों का काफी ज्यादा बाजार में आना जाना रहा, लोगों में मतलब काफी जैसे जो हमारा ये है कि 2 गज की दूरी बना के रखनी है, तो हम देखते थे बाजार में लोग जो है वो इस कुछ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो उस वजह से जो है वो हमारे आजकल केसेस थोड़ा सा बढ़े हैं। बहुत ज्यादा दर तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है इसमें कोरोना की दर में। इस विषय में मेरा यही आग्रह रहेगा लोगों से कि वो 2 गज की दूरी बना के रखें, मुंह पर प्रॉपर मास्क लें। मैंने अक्सर देखा है लोग थोड़ी पे लगा दिया, नाक खुली हुई है तो उस तरह से नहीं, नाक और मुंह दोनों को अच्छी तरह से ढकें। सिर्फ नाम के लिए मास्क ना लगाएं, बल्कि जिस पर्पस के लिए वो मास्क लगाना है उसके लिए लगाएं, और हाथों को बार बार धोएं। अगर ये 3 प्रिकॉशन भी वो प्रॉपरली करते हैं तो हम काफी हद तक जो है वो कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं।